नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। भगवान जगन्नाथ 4 जुलाई को स्वस्थ होकर शहरवासियों को देंगे दर्शन। रात्रि विश्राम मानस भवन में करेंगे। रात्रि विश्राम का आमंत्रण पहुंचा भगवान जगन्नाथ के पास लक्ष्मण बाग। लंबे समय से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करने भक्तजन 4 जुलाई को एकत्र होंगे शहर के लक्ष्मण बाग में। यहां से भगवान जगन्नाथ की यात्रा शहर के लिए प्रस्थान करेगी। वह पहुंचेगी सबसे पहले रीवा किला। यहां पर महाराज रथ यात्रा की अगवानी करेंगे। उसके बाद रथ यात्रा शहर के लिए प्रस्थान करेगी। भगवान अपने भक्तजनों को दर्शन देंगे। भगवान इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। लक्ष्मण बाग स्थित मंदिर में उनका इलाज चल रहा। वह 4 जुलाई को ठीक होकर शहर में अपने भक्तजनों को दर्शन देने निकलेंगे। रात्रि विश्राम मानस भवन के परिसर में करेंगे। 5 जुलाई को भगवान एक बार फिर से शहर भ्रमण करते हुए अपने भक्तजनों को दर्शन देने हुए लक्ष्मण बाग स्थित अपने परिसर में लौट आएंगे। हम आपको बता दें, रीवा की यह रथ यात्रा पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित है। किसी जमाने में रीवा राजा ने लक्ष्मण बाग परिसर में चारों धाम तीर्थ दर्शन की व्यवस्था की थी। यह उन लोगों के लिए थी जो किसी न किसी वजह से चारों धाम के दर्शन करने नहीं जा पाते थे। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान की यह प्रतिमा लाई गई थी, तभी से यह परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन रीवा शहर के लोग आज भी करते हैं। इसी के चलते मानस भवन के कर्ता धर्ता लक्ष्मण बाग स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात्रि विश्राम की अर्जी लेकर पहुंचे थे। भगवान के चरणों में रात्रि विश्राम की अर्जी लगाई गई। अब यह तय हो गया, भगवान 4 तारीख को रात्रि विश्राम मानस भवन में करेंगे। और से हम सब मानस मंडल परिवार के लोग यहाँ आए हैं भगवान के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए कि जब वो स्वस्थ होकर, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और विंध्य क्षेत्र के धर्मावलंबियों का लिए एक उत्सव है बहुत बड़ा। जब भगवान स्वस्थ होकर निकलेंगे नगर वासियों को दर्शन देने, तो रात्रि विश्राम मानस मंडल में करेंगे, मानस भवन में। तो हम मानस मंडल परिवार के लोग उनसे श्री चरणों में निवेदन करने आए हैं कि आप मानस भवन में रात्रि विश्राम करें, हमें सेवा का अवसर दें। और उस दिन दूसरे दिन भगवान का भजन कीर्तन पूजन होगा, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा और इसके बाद दूसरे दिन भगवान पुनः यहाँ के लक्ष्मण बाग के लिए जनता को दर्शन देते हुए वापस पधारेंगे। नगरवासियों से, तमाम भक्तजनों से, धर्मावलंबियों से यह अनुरोध करता हूँ मानस मंडल परिवार की ओर से, कि इस उत्सव में हर्षोल्लास के साथ और खूब उत्साह के साथ भाग लें और भगवान के दर्शन करें।